हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 47 रुपये का शेयर, मतलब 50 रुपये से भी नीचे का शेयर था ये, और उछल कर 57 रुपये तक पहुँच गया। तो मतलब ऑलमोस्ट 20% के आसपास का जंप, और वो भी एक दिन में 57 पहुंचा एक दिन, मतलब आज ही के डेट में इंट्रा डे में इतना ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। तो क्वेश्चन बनता है ना, क्या हुआ इसे, इस शेयर को ऐसा क्या हुआ आज, क्या ऐसी न्यूज आई आज, जानने के लिए बहुत लोगों कहता है कि भैया क्या हुआ ऐसा। तो चलिए बात करते हैं इस सब के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इस शेयर की। देखिए अगर आप इसका लो देखें, आज तो 47 रुपये के आसपास था सुबह, और धीरे धीरे करके वही 47-48 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अचानक 2-2.5 बजे के अराउंड अचानक बाढ़ आई, जैसे कहते हैं ना बाढ़ आई, बिल्कुल उछला उछला, बिल्कुल पहले 53 पहुंचा, फिर 56 पहुंचा, फिर 57 तक पहुंच गया। ऐसा क्या हुआ? तो चलिए अब जानते हैं कौन सा है ये शेयर और इसके बारे में। देखिए ये शेयर कोई और नहीं, मेघमानी ऑर्गेनिक्स है। मेघमानी ऑर्गेनिक्स अगर आप देखोगे, इसके बारे में जाओगे, इसके डिटेल में देखोगे, देखिए मेघवानी ऑर्गेनिक्स के वेबसाइट में जाइए, देखिए केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है। अगर आप देखें पेस्टिसाइड और पिगमेंट्स, मेजरली जो स्पेशल केमिकल कंपनी है जो प्रोड्यूस क्या करती है, जैसे पेस्टिसाइड होते हैं और पिगमेंट, 1420 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू 34 रुपये की है, और करंट प्राइस देखिए आज कहाँ 57 तक पहुँचा था, फिर थोड़ा सा डाउन होकर 55-56 के अराउंड बंद हुआ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया 12% के आसपास है। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का शेयर है, और पी रेशियो देखिए काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी है इसकी, 8.34 के अराउंड की है। और अगर आप देखें डेट, 400 करोड़ के अराउंड का डेट भी है कंपनी पे, जरूर डेट भी जरूर देखना चाहिए। और अब जानते हैं हम क्या हुआ ऐसा। तो 2-2.5 बजे के अराउंड क्या हुआ, इसका रिजल्ट आया BSE के वेबसाइट पर, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट आते ही इस शेयर में ये तूफान देखने को मिला, और रिजल्ट कैसा रहा वो देखते हैं, फिर डिटेल में टेक्निकली इसको देखते हैं। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले ये फिगर्स जितनी हैं लैक्स में है, अगर इनको करोड़ में कन्वर्ट किया जाए तो देखिए टोटल इनकम 500, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, 556 करोड़ की टोटल इनकम हुई, जो कि पिछले क्वार्टर में 518 करोड़ थी और लास्ट ईयर 451 करोड़ थी। तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास टोटल इनकम में जंप देखा गया। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो ऑलमोस्ट 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसने शो किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 61-62 करोड़ के अराउंड था। तो मतलब बढ़िया जंप, ऑलमोस्ट 18 करोड़ का क्वार्टरली क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिला, और ईयरली बेसिस पे जंप, अच्छा जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में। तो यही रीज़न था, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना मेघमानी ऑर्गेनिक्स इतना जंप कर जाएगा। देखिए आप खुद देखिए, मेघमानी ऑर्गेनिक्स पर्स आफ्टर रोबस्ट Q3 रिजल्ट, रोबस्ट Q3 रिजल्ट माना जा रहा है इसको, और ओवरऑल जो उछाल देखने को मिला 14-15% के अराउंड का उछाल देखने को मिला। देखिए आप मेघमानी ऑर्गेनिक स्पाइक अप 13% इन गुड Q3। तो ये रिजल्ट है, अगर हम टेक्निकली इसको एनालाइज करते हैं, पिछले 5 साल का इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो देखिए बहुत बढ़िया शेयर है। एक हाई इसने बनाया था 128 के अराउंड गया था, और उसके बाद जैसा आपको भी पता है कि 2018 में देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में जो क्रैक डाउन आया, तो ये शेयर देखिए बिल्कुल अपने हाफ प्राइस से भी नीचे तक आ चुका था। और अभी भी मैं कहूँगा चलिए रिजल्ट अच्छा है, नो डाउट यहाँ पर बढ़िया, यहाँ से अच्छा ग्रोथ यहाँ से कर सकता है ये शेयर, बट फिर भी जो लोअर ट्रेंड लाइन जो दिखा रही है, यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है वो 36 के आसपास दिख रहा है। एक वैसे तो यहीं से बाउंस बैक हो गया कि, तो 36-37 के आसपास अगर वॉलीटिलिटी आती है तो आने वाले टाइम में 30-35-40 के बीच में ये अच्छा एकुमुलेशन बाई जोन ये दिख सकता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेघमानी ऑर्गेनिक्स, जिसका मैंने आपको डिटेल बताई, रिजल्ट शेयर किया, ये स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाला शेयर है पेस्टिसाइड एंड पिगमेंट्स को। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और उछलने का रीजन आज बता दिया गया आपको, रिजल्ट ही शेयर में उछाल का रीजन था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।